जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो कंडीशनली वस्तु एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर प्रश्न लेंगे। कुछ चैप्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहली कंडीशन में मानते हैं यदि सीपी इक्वल हो एक वस्तु के लिए या दो से ज्यादा के लिए। तो पहली कंडीशन में लेते हैं किसी वस्तु का जो सीपी है वो है 8,000 रुपये और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 10,000 रुपये। तो इसमें आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस या कितने परसेंटेज। तो 8,000 की चीज को जब हम 10,000 रुपये में बेचेंगे तो नॉर्मली आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट परसेंटेज का वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाय सीपी। तो आपको 25% का हो जाएगा प्रॉफिट। ये क्वेश्चन था आपका कि जब आपको एक सीपी था और उसके साथ में ही एसपी है। अब कंडीशन है कि यदि वो एक से ज्यादा सीपी देता है तो फिर क्या करेंगे। पहला सीपी है मान लो 5,000 रुपये, अगला सीपी है उसका 6,000 रुपये और अगला सीपी है उसका 8,000 रुपये। एसपी है 6,000, इसका एसपी है आपका 5,500 रुपये और इसका एसपी है आपका 7,000 रुपये। तो जब वो अलग अलग चीजें देता है आपको तो सबसे पहले हमें एक सिंपल सीपी बनाना होगा। तो हम इसको कंबाइंड करेंगे। तो पहले निकालेंगे हम कंबाइंड सीपी, 5 और 6 11, 11 और 8 19। तो टोटल कंबाइंड आपका एसपी आ जाएगा 19,000 रुपये। ऐसे ही हम इसका टोटल सीपी निकालेंगे, एसपी निकालेंगे सॉरी, 7 और 5 12, 18,500। तो 18,500 टोटल होता है तीन वस्तुओं का एसपी। और अब इसको फिर सोल्व करेंगे हम इसी रूप से। अब आपका एक सीपी है और एक ही एसपी है, इस कंडीशन में उसको 500 रुपये का लॉस होता है। और लॉस होगा तो लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 19,000 रुपये। तो ये थे आपके, जब आपको सिंपल रूप से वैल्यू दी जाएगी एसपी और सीपी की, तो सीपी आपके दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, उसी आधार पर आपको एसपी दिए जाएंगे। अब कंडीशनली जो सेकंड क्वेश्चन है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको सीपी दिए जाते हैं। जैसे उसने कहा पहली वस्तु का आपका सीपी है 8,000 रुपये, एक और वस्तु है उसका सीपी है आपका 7,000 रुपये, इस पे उसको प्रॉफिट होता है 10% का और इस पे उसको लॉस होता है 20% का। ये कंडीशन तब है जब उनके दोनों के जो सीपी है वो अलग अलग है। सेकंड कंडीशन होगी आपकी कि आपका सीपी है 8,000 रुपये और अगले का सीपी भी है आपका 8,000 रुपये, एक पे आपको 40% का प्रॉफिट होता है और एक पे आपको 30% का लॉस होता है। तो जब आपको अलग अलग से सीपी दिए जाए तो फिर आपको क्वेश्चन सिंपल वे में करना होगा। तो हम इसका पहले 10% निकालते हैं। 8,000 का 10% 800 रुपये, तो इसका एसपी हो जाएगा 8,800 रुपये। अब 7,000 रुपये का 20%, 1,400 रुपये। अब 1,400 है आपका लॉस, तो इसमें से आपको 1,400 करने पड़ेंगे माइनस।
ये आपका आ जाएगा 5600 रुपये। अब इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो टोटल आपका आ जाएगा एसपी ₹14,400, और इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा ₹15,000। अब अगर ये पूछा जाए आपसे कि कंबाइंड क्या हुआ, तो 15,000 की जो चीज थी वो टोटल आपको बिकती है ₹14,400 की, तो आपको लॉस होगा ₹600 का। तो 600 × 100/15,000। तो ये वो पर्सन है कि जब आपको अलग अलग से सीपी दिए गए होंगे और उस पे प्रॉफिट और लॉस होगा, तो आपको अलग से पहले एसपी निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको कंबाइंड करके और फिर निकालना है प्रॉफिट और लॉस। अब जो शॉर्टकट कंडीशन में क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो सीपी होता है वो इक्वल होता है। तो जहां सीपी इक्वल होगा वहां हमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम इसको उठाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है x+y/2, अगर 3 है तो x+y+z/3, इनका हम एवरेज निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें आपने 2 है तो प्रॉफिट के लिए हम उसे पॉजिटिव का लेंगे, लॉस के लिए उसे हम नेगेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा 10/2। तो 5% पॉजिटिव है तो 5% का आपको हो जाएगा प्रॉफिट। अगर यहाँ पे वो 3 वैल्यू भी देता है, जैसे मान लो एक सीपी है गिवन नहीं है, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है और ये भी सीपी है। अब इस पे कहता है वो 10% प्रॉफिट होता है, इस पे 20% का लॉस होता है, इसमें 30% का प्रॉफिट होता है और इसमें 50% का प्रॉफिट होता है। अब इसमें वो चाहे आपको प्रॉफिट सॉरी सीपी गिवन हो या ना हो, अगर ये इक्वल है तो आपको इसके अंदर डायरेक्टली कर सकते हो। अब इसमें आपको 4 दिए गए हैं, तो पहला है पॉजिटिव +10, अगला है नेगेटिव -20, फिर प्रॉफिट है तो 30, प्रॉफिट है तो 50 और एवरेज है 4 है तो ÷4। और इस कंडीशन में जब आप यहां से चलेंगे तो यहां से माइनस का 10, 50, 70 ÷4, 35/2, 17 सही 1/2 होगा कंबाइंड प्रॉफिट इन चारों को लेके। तो जब भी आपको इक्वल सीपी कहा जाए, चाहे वो गिवन हो या ना हो, तो यदि वो 2 है तो दोनों को ÷2 करेंगे, यदि 3 है तो ÷3 और 4 है तो ÷4। और ध्यान रखना है यदि प्रॉफिट है तो पॉजिटिव का लेना है और अगर लॉस है तो उसको नेगेटिव का लेना है। ये जो क्वेश्चंस थे आपके, ये थे इक्वल सीपी के लिए। अब अगली कंडीशन में चेक करते हैं, एसपी का 1 होना या एसपी का ज्यादा होना। तो यदि वो अलग अलग से देता है, अनइक्वल एसपी है और अनइक्वल सीपी है, तो इसका फॉर्मूला वही रहेगा कि हमें पहले इनको कंबाइंड करके एक सीपी और एक एसपी बनाना होगा। जैसे पहले ये है सिंपल है, 800 का इसका आपका एसपी है और 7,000 का आपका सीपी है, तो इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होता है ₹1,000 का। और किस पे होता है, ये होता है हमेशा सीपी के ऊपर, तो ₹7,000 का। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 100/7% का प्रॉफिट। यदि वो कंबाइंड देता है तो पहले कॉम्बिनेशन में इनको पहले एसपी बनाएंगे, टोटल टोटल एसपी है वो आपका हो जाएगा ₹16,000, टोटल जो आपका सीपी है वो हो जाएगा ₹18,000। अब कंडीशनल देखा जाए तो 18,000 की चीज है और उसको बेचा गया है ₹16,000 में, तो ₹2,000 का आपका यहां से आएगा लॉस। और टोटल कॉम्बिनेशन में अगर लॉस देखा जाए
तो 2000 मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाय सीपी, टोटल आपका 100/9% का आपका हो जाएगा लॉस। तो ये क्वेश्चन थे दो कि जिनके अंदर आपको एसपी गिवन थे बट वो अनइक्वल है। अब नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं कि यदि एसपी हो ज्यादा बट वो हो इक्वल, तो एक एसपी आपका है 10,000 रुपये और दूसरा एसपी है आपका 10,000 रुपये, इस पे उसको 20% का प्रॉफिट होता है, इस पे उसको 20% का लॉस होता है। तो जब इस प्रकार की कंडीशन हो कि जब आपको एसपी गिवन हो, या सेकंड कंडीशन में एसपी हो ही ना बट इक्वल बोला जाए, तो जब आपको एसपी इक्वल कहा जाए, जैसे पहले कहा था इक्वल सीपी, तो इक्वल एसपी हो जाए तो उसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूज करेंगे उसकी तरह ही परसेंटेज की वैल्यू को। और इसके लिए कंडीशन होती है इन दोनों की मल्टीप्लाई, वहां पे हमने किया था एड, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, वही साइन, पॉजिटिव है प्लस, सॉरी प्रॉफिट है तो प्लस का लेंगे और लॉस है तो माइनस का लेंगे, एंड डिवाइड बाय 100। तो यहां से आपको आ जाएगा 4% का लॉस। जैसा अगर इसमें ये भी बोल देता कि उसको 25% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे 25% का लॉस होता है, तो सेम क्रिया करेंगे, 25 मल्टीप्लाई माइनस 25, क्योंकि प्रॉफिट है तो पॉजिटिव का है और लॉस है तो नेगेटिव का, एंड डिवाइड बाय 100। तो 625 और पॉइंट लगाएंगे तो 6.25% का आपको हो जाएगा लॉस। तो ये जो क्वेश्चन आपने किए हैं, इसके अंदर सीपी और एसपी का कम्बिनेशन था कि जो सीपी एक भी हो सकता है और सीपी ज्यादा हो सकते हैं, या जो एसपी है वो एक हो या एक से ज्यादा।